वीडियो होने वाला है अमेजिंग सा सिंपल सा मेकअप लुक मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि बहुत ही इजी है और कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए तो है ही ये। और अगर आप ऑफिस भी जाते हो तो भी आप ये मेकअप वेयर कर सकते हो। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करूँगी और मुझे बस बेसिक सी चीज़ों की ज़रूरत होगी और मुश्किल से 10 मिनट का काम है ये। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि ये कैसे करना है और कौन कौन सा प्रोडक्ट मैं यूज़ करूँगी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मेकअप करने से पहले स्किन केयर जो करती हूँ मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो ज़्यादा लेट नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो मेकअप करने से पहले मैं अपना स्किन केयर करूँगी। स्किन केयर करने के लिए मैं सबसे पहले अपनी स्किन को क्लीन करूँगी। उसके लिए मैं आयुर का डीप क्लींजिंग मिल्क यूज़ करने वाली हूँ। इसे मैं कॉटन पे ले लूँगी थोड़ा सा और अपने फेस को क्लीन करूँगी। हमारी स्किन पे बहुत सारी गंदगी जमा रहती है जिस वजह से मेकअप नहीं करना चाहिए। पहले अपने स्किन को क्लीन करना चाहिए उसके बाद हमें मेकअप करना चाहिए। आप देख सकते हैं कितना सारा गंदगी निकला है। मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया क्लींजिंग के बाद। उसके बाद मैं यूज करने वाली हूँ आयुर का टोनर। मैं इसे भी एक कॉटन में ले लूंगी थोड़ा सा और अपने फेस पे लगा लूंगी। मुझे ये टोनर स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं इसे बहुत दिनों से यूज़ कर रही हूँ। मैंने इसका CTM रूटीन भी शेयर किया है। मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक, आप लोग देख लीजिएगा। आयुर का CTM रूटीन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैंने अपने फेस को क्लीन किया था उसके बाद भी टोनर लगाने के बाद देखिए इतना सारा निकला है, देखिए। इसीलिए मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। के बाद मैं यूज करने वाली हूँ गुड वाइब्स का विटामिन सी एंड B3 फेस सीरम। ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। बस कुछ ड्रॉप्स लगाना है अपने फेस पे। उसे फिंगर से मिला देना है। स्किन केयर ऑलमोस्ट हो चुका है। अब मैं अपना मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ। तो मेकअप में सबसे पहले प्राइमर का ज़रूरत होता है। तो प्राइमर के लिए मुझे सबसे अच्छा लगता है एलोवेरा जेल, जो कि एक मॉइस्चराइजर की तरह से भी काम करता है और एक प्राइमर की तरह से भी। तो मैं प्राइमर के लिए यूज़ करूँगी एलोवेरा जेल। मैं यहाँ पर पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ करने वाली हूँ। आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। बस कुछ ड्रॉप्स लेना है अपने फिंगर पर, उसे इस तरह से मेल्ट करना है और स्किन पे अप्लाई कर देना है। ये एक मॉइस्चराइजर की तरह से भी वर्क करता है और प्राइमर के लिए भी बेस्ट है। और सबसे बड़ी बात, ये अफोर्डेबल प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो प्राइमर लगाने के बाद मैं कुछ देर इसे छोड़ दूंगी। मैंने कुछ देर प्राइमर को अपने फेस पे छोड़ दिया था। आप देख सकते हैं ये ड्राई हो चुका है। तो मैं मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ। मैं बेसिक मेकअप करूँगी। इसके लिए ना तो मैं कंसीलर यूज़ करूँगी ना ही फाउंडेशन यूज़ करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे सिंपल मेकअप करने वाली हूँ, जो कि आसानी से हर कोई कर सके। इसलिए मैं यहाँ पर सिंपल सा लैक्मे का CC क्रीम यूज़ करने वाली हूँ। ये यहाँ पे मेकअप के लिए मैं ना तो ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करने वाली हूँ ना ही मेकअप ब्रश का, क्योंकि हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता ये, खास करके जो बिगनर्स होते हैं। तो मैं सिंपल सा मेकअप करने वाली हूँ जो हर कोई कर ले। इस वजह से मैं फिंगर का ही यूज़ करूँगी और देखिएगा मेकअप कितना अच्छा होता है। तो कुछ ड्रॉप्स मैंने ले लिया है CC क्रीम का और मैं इसे अप्लाई करूँगी अपने फिंगर से। इस तरह से आपको अप्लाई करना है, इस तरह डॉट डॉट पूरे फेस पर बना देना है आपको।
अपने नेक को नहीं भूलिएगा, क्योंकि फिर ये अलग दिखने लगता है। और ईयर में भी हल्का सा लगा दीजिएगा कानों पे। अब इसे डैप डैप करके फिंगर से ही मिलाना है। अपने क्रीम को डैप डैप करके उंगलियों से मिला दिया है। आप कभी भी उसे रगड़ के ना मिलाएं, वरना वो केकी लगने लगता है। उसके बाद मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ लैक्मे का रेडियंस कॉम्पैक्ट। ये बहुत ही इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा और ऑनलाइन भी मिल जाएगा। 120 या 35 समथिंग है। मैं इसका प्राइस मेंशन कर दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो मैं इसे यूज करने वाली हूँ, इसी के साथ जो मिला था मैं उसी से अपने फेस पे लगाने वाली हूँ। तो कॉम्पैक्ट यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है अपने मेकअप को सेट करने के लिए। तो मुझे इसके साथ जो मिला था मैं उसी से अपना मेकअप को सेट कर लूँगी। अपने कानों को मत भूलिएगा, वरना फिर ये बहुत ही गंदा दिखता है, कान अलग से नजर आने लगता है। तो अब मैं यूज करने वाली हूँ ब्लू हेवन का काजल। ये अंडर 100 रुपीज में आपको मिल जाएगा और ये बहुत ही अच्छा है। क्योंकि ये बेसिक मेकअप लुक है तो मैं ज्यादा डार्क नहीं करूंगी, बस हल्का सा काजल अप्लाई करूंगी। तो देखिए मैंने काजल को अप्लाई कर लिया है। अब मुझे चाहिए, मैं यहाँ पे अब आईब्रो को फिल करने वाली हूँ। ये आईब्रो पेंसिल ये मैंने बहुत पहले लिया था, मुझे याद भी नहीं है मैंने कितने में लिया था, बट ये बहुत अच्छा है इसलिए मेरे पास अभी तक है। तो मैं इसे यूज करने वाली हूँ अपने आईब्रो को फिल करने के लिए। आप देख सकते हैं मैंने दोनों आईब्रो को फिल कर लिया, लुक ही चेंज हो गया है। आईब्रो फिल करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आईब्रो आपका सही हो शेप में तो बहुत ही अच्छा लुक आता है। अब मैं यूज करने वाली हूँ मस्कारा। मस्कारा के बिना आपका बेसिक मेकअप भी अच्छा नहीं लगता है। आप आईलाइनर नहीं यूज कर रहे तो आप मस्कारा जरूर से यूज करें। तो मैं यहाँ पे लोटस का मस्कारा यूज करने वाली हूँ। ये मस्कारा मैं फ्लिपकार्ट से मंगाई हूँ। मैंने फ्लिपकार्ट से बहुत सारे मेकअप का प्रोडक्ट मंगाई हूँ जो कि मैं रिव्यू लेके आने वाली हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तो आप देखिएगा जरूर। तो मैं उसे यूज करने वाली हूँ अभी। तो मैंने इसे ओपन भी नहीं किया था, मैं अभी ओपन कर रही हूँ। तो आप इसका रिव्यू देख लीजिएगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप आईलाइनर नहीं यूज कर रहे हैं तो मस्कारा जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि इससे एक अच्छा लुक आता है आंखों का। अब मैं यहाँ पे सिंपल सा एक लिपस्टिक लगाऊंगी और मेरा हो गया बेसिक मेकअप। बस इतना ही था और ये बहुत ही इजी है और आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो बिगनर्स हैं जिसे बिल्कुल भी नहीं आता मेकअप करना, वो भी इस मेकअप को कर सकते हैं। तो मैं लिपस्टिक के लिए यहाँ पे यूज करूंगी स्टे क्वर्की का मिनी लिपस्टिक। इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं, आप कोई सा भी शेड्स यूज कर सकते हैं। ये अलग अलग ओकेजन के लिए अलग अलग शेड्स भी इसमें मिल जाएंगे आपको। ये इसमें लिपस्टिक में आपको बहुत ही अलग अलग शेड्स में अलग अलग किट्स मिल जाएंगे। ये मैंने किट नंबर 1 लिया है जिसमें ये डार्क शेड्स हैं, और आप अलग अलग किट भी लें जिसमें अलग अलग शेड आपको मिलेगा। तो मैं इसमें से ये कलर यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं इसमें से शेड नंबर 11 यूज़ करने वाली हूँ जो कि न्यूड टाइप का है, और ये डेली यूज़ के लिए बहुत ही अच्छा है।
तो मैं इसे यूज कर लेती हूँ। तो ये था आज का इजी पीजी सिंपल सा मेकअप लुक जो कि बहुत ही आसान है। अगर आप इसे वेयर करना चाहते हैं तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपको मेकअप का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो भी आप इस मेकअप को कर सकते हैं। अगर आपको ये चाहिए कि मेरा फेस नेचुरल भी दिखे और थोड़ा बहुत मेकअप भी किया हो तो भी आप इसे वेयर कर सकते हैं। आप इसे किसी फेस्टिवल में भी वेयर कर सकते हैं। मतलब बहुत ही अच्छा है और बहुत ही आसान है। आप कॉलेज जाने के लिए भी वेयर कर सकते हैं, ऑफिस जाने के लिए वेयर कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करें, बहुत ही आसान है। तो आप भी मेकअप का प्रोडक्ट लेना चाहते हैं और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है कि मैं कौन सा लूँ कौन सा नहीं, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में भी जो अवेलेबल हो, तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रही हूँ आपके लिए जो कि बहुत ही हेल्पफुल हो आपके लिए। मैंने बहुत सारे मेकअप के प्रोडक्ट बाय किए हैं फ्लिपकार्ट से जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो आज का वीडियो मैं यहीं तक रखती हूँ। तो मिलती हूँ आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो को लेके। तब तक के लिए बाय।